नमस्कार बच्चों, मैं आयुष आपका स्वागत करता हूँ एनसीईआरटी मैथ कक्षा 8वीं में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे, तीन लगातार पूर्णांकों पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल कितना प्राप्त होता है आपका, 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, तीन पूर्णांकों का आपको बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः कितने से, 2 से 3 से और 4 से गुणा करना है और योग करने पर उनका, गुणा करने के बाद योग करने पर आपका योगफल कितना आएगा, 74 आएगा। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तब आपको तीनों पूर्णांक ज्ञात कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। माना माना वह है किर्मांगद पूर्णांक, लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेना है। आपको कैसे लेना है, बढ़ते क्रम में लेना है, तो पहला लेंगे हम कैसा, एक्स ले लेंगे। अगला इसके बाद कौन सा आएगा, एक्स प्लस 1 आएगा और इससे अगला आएगा एक्स प्लस 2। तो हमारे तीन पूर्णांक कौन कौन से हो गए आपके, एक्स हो गया एक, दूसरा एक्स प्लस 1 हो गया और तीसरा कौन सा हो गया, एक्स प्लस 2। अब हम आगे इन्हें बोला है प्रश्नानुसार, क्या बोला है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, जे पूर्णांक है पहला दूसरा और तीसरा, इनका गुणा हमें क्रमशः किससे करना है, 2 से 3 से और 4 से, और गुणा करने के बाद योगफल जो आता है वो कितना आता है आपका, 74 आता है। तब हम क्या करेंगे, x पहले का गुणा कितने से करना है आपको, 2 से, कितने से करना है आपको, 2 से करना है, तो इसका गुणा गुणा हम कर लेंगे 2 से। फिर अगला है आपका एक्स प्लस 1, इसका गुणा आपको करना है 3 से। अगला है आपका x प्लस 2, इसका गुणा करना है आपको 4 से, और इनके गुणा करने के बाद जो योगफल आएगा उसका योगफल कितना है आपका, 74। कितना आएगा, 74। अब इसका गुणा करेंगे, 2 का x में गुणा होगा, आ जाएगा आपका 2x प्लस 3 का x में गुणा होगा आपका 3x, 1 का 3 में गुणा होगा कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा बच्चों, 3। आगे x का 4 में गुणा होगा 4x, 2 का 4 में होगा आपका आ जाएगा 8, और इक्वल टू में कितना है आपका, 74। कितना है, 74। अब क्या करेंगे, x x को जोड़ देंगे, 2x 3x 5x और कितने हो गए, 4, 5 और 4 कितने हो गए आपके, 9x, 9x प्लस 3 और 8 हो जाएंगे आपके 11, इक्वल टू कितना हुआ आपका, 74। 9x बराबर 11 को हम अचर पद की ओर ले जाएंगे, एक साइड चर ले देंगे और एक साइड क्या ले लेंगे, अचर ले लेंगे, 74 माइनस 11। यहां पे 11 धनात्मक था तो बराबर के उस ओर जाएगा तो कैसा हो जाएगा आपका, ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा। तब आपका 9x बराबर 74 में से 11 जाएंगे तो आपका 63 आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे हमें मान चाहिए था x का, यहाँ पे आ रहा है 9x, तो 9x के साथ 9 का क्या है, इसमें गुणा है, तो हम यहाँ पे 9 का भाग करेंगे, तब यहाँ पे 9x/9 = 63/9, 9 से 9 आपका कट जाएगा, 9 7 63, तो आपका यहाँ से x का मान कितना निकल आया, 7। यहां से हमें पता चल गया कि x का मान कितना निकल आया आपका, 7 निकल आया, लेकिन हमें क्या x का मान चाहिए था, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो क्रमांकित हो बढ़ते क्रम में हो, तब x है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, तब हम इन पूर्णांकों को लिखेंगे, यहां पे कर लेते हैं, तब पूर्णांक क्या लिखेंगे यहां पे हम, तब पूर्णांक, तब पूर्णांक क्या होंगे आपके, एक बार हम फिर से लिख लेंगे, यहाँ पे पहला पूर्णांक क्या था आपका x, क्या होगा x बराबर क्या है आपका, 7।
एक पूर्णांक आपका ए हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक क्या है आपका एक्स प्लस ए, कितना है आपका एक्स प्लस ए, तब कितना जोड़ोगे आप सात प्लस एक बराबर कितना हो जाएगा आपका आठ, कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा, और तीसरा पूर्णांक आपका कितना है एक्स प्लस दो, कितना है एक्स प्लस दो, तो सात में आप दो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा नौ, तब आप देख रहे होंगे आपके तीन पूर्णांक कौन कौन से आ गए सात आठ और नौ, कौन कौन से आ गए आपके सात आठ और नौ, क्या यही पूर्णांक है? एक बार हम सोच लेते हैं, सात का कितने से गुणा करना था दो से, तो सात तो नहीं चौदह कितना होगा चौदह, आठ का कितने से गुणा है चौबीस, आठ दिया चौबीस, और नौ का कितने से करना है हमें चार से, नौ चौके छत्तीस, तो छत्तीस चौबीस साठ चौदह चौहत्तर, कितना आना था आपका चौहत्तर, इसका माने हमारा क्वेश्चन कैसा है सही है। एक बार हम इसे फिर से समझ लेते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका आठवां, तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में, कैसे क्रम में लेना है बढ़ते क्रम में लेना है, तो एक एक्स लेंगे एक्स से एक बढ़ जाएगा फिर एक और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस टू, फिर बुलाया हमने उन्हें क्रमशः दो से, देखो पहले को दो से गुणा किया आपने, तीन से इसका तीन से किया, इसका चार से गुणा किया, और इनका गुणनफल इसका क्या करना है योग, क्या करना है गुणनफल करने के बाद योगफल करना है, योगफल कितना आता है चौहत्तर आता है, कितना आता है चौहत्तर आता है, तो हमने गुणा करने के बाद इनका योगफल किया तो कितना लिख दिया चौहत्तर लिख दिया, कितना लिख दिया बच्चों चौहत्तर लिख दिया, तब हमारा आ गया 9x plus 11 equal to 74, अब हमने देखा हमें तो x का मान चाहिए, क्या चाहिए x का मान चाहिए, यहाँ पे 11 आ रहे हैं तो 11 का क्या करेंगे हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे धनात्मक है तो उस साइड काय का हो जाएगा ये ऋण का हो जाएगा, काय का हो जाएगा ऋण का हो जाएगा, तो 9x बराबर कितना आ गया आपका 63 आ गया, यहाँ से हमें x का मान निकाला, 9 का बराबर देखे तो x का मान निकला आया सात, लेकिन हमें x का मान तो चाहिए नहीं था, हमें मान चाहिए था क्या का क्रमागत पूर्णांक, तो पहला है आपका x, क्या है x है तो x का मान निकल आया था सात, दूसरा है आपका x प्लस एक तो सात में एक जोड़ा आपने तो आठ आ गया, और तीसरा x धन दो तो सात में आपने दो जोड़ा तो कितना आ गया नौ, इस प्रकार आपकी संख्याएं कौन कौन से हो गई सात आठ नौ, इस प्रकार हमें आशा है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, अगले क्वेश्चन को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आपसे आशा है आप रोज ऐसे ही टाइम निकालते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे।